कैनवास की पुकार, गोगन की शुरुआती जिंदगी, पॉल गोगन। ये नाम सुनते ही जहन में चटकीले रंग और अनोखे नजारों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इन रंगीन कैनवस के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने रीति रिवाजों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। एक ऐसा इंसान जिसने कला की सच्चाई की तलाश में अनजान रास्तों पर चलने का फैसला किया। ये उनकी उस सफर की कहानी है जो ताहिती के धूप से सराबोर समुद्र तटों से कोसों दूर शुरू हुई थी। यूजेन ऑनरी पॉल गोगैन का जन्म 1848 में पेरिस में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब वो बहुत छोटे थे, उनका परिवार पेरू चला गया। सोचिए, उन्होंने कैसे कैसे नजारे और रंग देखे होंगे। बचपन के ये अनुभव छोटे गोगन के जहन पर गहरी छाप छोड़ गए। इन अनुभवों ने उनके अंदर अनोखे और अनदेखे को जानने की ललक जगा दी। गोगन का रास्ता हमेशा साफ नहीं था। शुरुआत में उन्होंने स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपना करियर बनाया, लेकिन कैनवास की पुकार को वो अनसुना नहीं कर पाए। उन्होंने खाली समय में पेंटिंग करना शुरू कर। उनकी शुरुआती कलाकृतियों में उनकी प्रतिभा की झलक दिखने लगी। उनकी कलाकृतियों में कुछ नया करने की चाहत, एक अलग दुनिया की तलाश साफ झलकती थी। यही चाहत उन्हें पेरिस की जानी पहचानी गलियों से दूर ले गई। ये चाहत उन्हें दूर देशों और कलात्मक खोजों की दुनिया में ले गई। यही चाहत उन्हें वो पॉल गोगन बना गई जिन्हें आज हम जानते हैं। पेरिस की शुरुआत इंप्रेशनिज्म और उससे आगे 19वीं सदी के आखिर में पेरिस का कला जगत नए नए विचारों से भरा हुआ था। इंप्रेशनिज्म अपने चरम पर था। मोने और रेनुआर जैसे कलाकार रोशनी और रंगों के क्षण भंगुर सौंदर्य को अपने कैनवास पर उतार रहे थे। गोगन भी इस क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। उनकी दोस्ती कैमिल पिसारो से हुई, जो इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग के एक जाने माने कलाकार थे। पिसारो उनके गुरु बने और उन्हें प्लेन एयर पेंटिंग की तकनीक सिखाई। कल्पना कीजिए, पिसारो के साथ गोगन सीन नदी के झिलमिलाते प्रतिबिंबों या पेरिस की सड़कों की जीवंत ऊर्जा को कैनवास पर उतार रहे हैं। हालांकि गोगन कभी भी सिर्फ एक अनुयायी बनकर रहने वाले नहीं थे। उनका मन हमेशा कुछ नया करने को बेताब रहता था। सीमाओं को तोड़ने की चाहत हमेशा बनी रहती थी। उन्हें इंप्रेशनिस्ट्स द्वारा बाहरी दुनिया को कैनवास पर उतारने के तरीके से खुद को बंधा हुआ महसूस होता था। वो कुछ गहरा, कुछ ज्यादा आदिम और भावनात्मक व्यक्त करना चाहते थे। उनकी शैली बदलने लगी। उनके ब्रश स्ट्रोक बोल्ड हो गए, उनके रंग ज्यादा सघन हो गए। वो प्रकाश के यथार्थवादी चित्रण से हटकर रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग की ओर बढ़ने लगे। उनकी पेंटिंग उनकी आंतरिक दुनिया, उनकी भावनाओं और आदिम और आध्यात्मिक के प्रति उनके बढ़ते आकर्षण का प्रतिबिंब बन गई। इंप्रेशनिज्म से अलग हटकर चलने का ये फैसला गोगन के कलात्मक सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यही वो पहला कदम था जिसने उनकी अनूठी शैली को जन्म दिया। एक ऐसी शैली जिसने कला इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक नई दुनिया, एक नई शैली गोगन को अपनी पहचान मिली। अपनी कलात्मक दृष्टि और सरल जीवन की चाहत से प्रेरित होकर गोगन ने एक ऐसे सफर पर निकलने का फैसला किया जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। उन्होंने फ्रांस के जाने पहचाने परिदृश्यों को पीछे छोड़ दिया और ताहिती के उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की ओर रुख किया। यहाँ हरी भरी वनस्पतियों और जीवंत संस्कृति के बीच उनकी कला में एक गहरा बदलाव आया। ताहिती गोगन के लिए सिर्फ एक नया नजारा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। उन्होंने खुद को स्थानीय संस्कृति में डुबो दिया, वहां मिलने वाली सादगी और आध्यात्मिकता को अपना लिया। द्वीप के लोग, उनके रीति रिवाज और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध उनकी प्रेरणा बन गया। उनके पेरिस के पैलेट के मंद रंग अब गायब हो चुके थे, उनकी जगह चमकीले रंगों की एक सिम्फनी ने ले ली थी। पन्ना हरा, चमकदार नारंगी और गहरे समृद्ध नीले रंग, ताहिती की उष्णकटिबंधीय रोशनी से सराबोर उनकी पेंटिंग एक नई ऊर्जा के साथ धड़क रही थी।
वे अब केवल बाहरी दुनिया का चित्रण नहीं थे बल्कि एक गहरी वास्तविकता, सपनों और भावनाओं की दुनिया की अभिव्यक्ति थे। ताहिती में ही गोगन को अपनी असली पहचान मिली। उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जो पूरी तरह से उनकी अपनी थी, जिसमें बोल्ड आउटलाइन, रंगों के सपाट क्षेत्र और पारंपरिक दृष्टिकोण को नकारना शामिल था। उन्होंने इसे संश्लेषणवाद कहा, जो प्राकृतिक दुनिया की उनकी टिप्पणियों का उनकी अपनी आंतरिक दृष्टि के साथ संलयन था। पेंटिंग के प्रति इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण ने बाद में कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया और आधुनिक कला के अग्रणी के रूप में गोगन के स्थान को मजबूत किया। ताहिती का पैलेट स्वर्ग के रंग। कल्पना कीजिए कि एक कैनवास पर चमकीले रंग छाए हुए हैं, जहां पन्ना हरे जंगल फिरोजा लैगून से मिलते हैं। ये था गोगन का ताहिती, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने एक ऐसे पैलेट से रंगा था जो उतना ही समृद्ध और मनमोहक था जितना कि द्वीप खुद। उनका रंगों का उपयोग केवल सजावटी नहीं था, यह गहराई से प्रतीकात्मक था, भावना और अर्थ से ओतप्रोत था। गोगन की पेंटिंग ताहिती के सूरज की गर्मी से धड़कती हैं, उनके पीले रंग गर्मजोशी से चमकते हैं, उनके नारंगी रंग ऊर्जा के साथ कंपन करते हैं और उनके लाल रंग एक आदिम तीव्रता के साथ धड़कते हैं। ये बोल्ड रंग अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से एक साथ रखे जाते हैं, दृश्य सामंजस्य की भावना पैदा करते हैं जो मनोरम और बेचैन करने वाला दोनों है। उन्होंने भावनाओं को व्यक्त करने और आध्यात्मिक विषयों का पता लगाने के लिए रंग का इस्तेमाल किया। जीवंत पीले और नारंगी अक्सर जीवन, आनंद और आध्यात्मिकता का प्रतीक होते हैं। गहरे नीले और हरे रंग प्राकृतिक दुनिया के रहस्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पेंटिंग ताहिती के जीवन का मात्र चित्रण को सतह से परे एक दुनिया में उतरने के लिए आमंत्रित करती थी। गोगन का ताहिती पैलेट द्वीप की उष्णकटिबंधीय सुंदरता का मात्र प्रतिबिंब नहीं था, यह एक दृश्य भाषा थी जिसे उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया, आदिम के प्रति उनके आकर्षण और आध्यात्मिक अर्थ की उनकी खोज को व्यक्त करने के लिए विकसित किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक्स फाइन आर्ट्स।